दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते वक्त मान लीजिए कि कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो आप उसे वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका बड़ी आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। मैं अभी आपको लाइव करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा था। तो मैं आपको अभी एग्जैक्टली बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा था। इस डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर लिया है। तो जैसे ही ओपन करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप जो देख पा रहे हैं ऊपर खाली है और बीच में ये स्कैन इमेज है और ये नीचे भी खाली है, यानी पेज वन का जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। ये होना ऐसे सीधाई में होना चाहिए था और जो पेज टू है वो बिल्कुल सही है। तो जिसने भी ये स्कैन किया है, ये कैम स्कैनर नाम की ऐप है, मोबाइल से स्कैन करके और व्हाट्सअप किया था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं। तो मैंने ये प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट पे आप देख पा रहे हैं ये ऊपर खाली नीचे खाली और बीच में ये पेज का प्रिंट इस तरह से आएगा, लेकिन हमें प्रिंट चाहिए वर्टिकल पोजिशन में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ भी एडिशनल ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। आपको सिंपली अपने जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिसमें सिंपली अपने कीबोर्ड में टाइप करना है विंडो बटन और आर बटन। तो जैसे ही आप विंडो और आर बटन टाइप करेंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगी। आपको टाइप करना है MS पेंट, PAINT। तो MS पेंट टाइप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप सिंपली उस डॉक्यूमेंट पे ओपन कीजिए। अब उसके बाद उस पेज को आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप जितना चाहें उस पेज को इस तरह से माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा पेज कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद ये MS पेंट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, इसको आप सिंपली सेव कर लीजिए। सेव करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सेव एज टाइप बाय डिफ़ॉल्ट PNG आता है कई सिस्टम में, तो यहाँ आप JPG कर दिए। PNG में ये फाइल की इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, 2-3 गुना बड़ी होती है, तो फाइल की साइज़ बड़ी हो सकती है। तो मान लीजिए 1 MB की फाइल है तो PNG में वो 3-4 MB की हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने सिंपली सेव कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये डॉक्यूमेंट। ये देखिए दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली है, मुझे इसे वर्टिकल करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये मेरे पास विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप यहाँ रोटेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप सिंपली यहाँ रोटेट को क्लिक कर लीजिए। इमेज को सीधा करने के बाद आप सिंपली ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप इसे जैसे ही बैक लेंगे, ये देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। ये इमेज ओपन की मैंने और ये पेज है ये सीधा हो गया वर्टिकल पोजीशन में। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी आसानी से बिना किसी एडिशनल ऐप के, किसी ऐप को पैसे दे के, कोई पेड वर्जन ले लिए बिना, इस तरह से अपना कोई भी PDF डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके मन में इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।